नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको हार्ट इम्यूनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत दुनिया के साथ वायरस महामारी को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन घातक वायरस के खिलाफ प्रभावी रणनीति के माध्यम से ही जीती जा सकती है। कई देश वैक्सीन खोजने में व्यस्त है, लेकिन कितना समय लगेगा यह कहना मुश्किल है। तो अगर वैक्सीन में समय है, तब इस वायरस से बचने के लिए क्या हार्ड इम्यूनिटी कारगर है? तो क्या है हार्ड इम्यूनिटी? हार्ट इम्यूनिटी का हिंदी में अनुवाद होता है सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। वैसे हार्ट का शाब्दिक अर्थ है झुंड। विशेषज्ञों के अनुसार यदि वायरस को सीमित रूप से फैलने का मौका दिया जाए, तो इससे सामाजिक स्तर पर वायरस को लेकर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। हार्ड इम्यूनिटी, जिसके तहत लोग किसी बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षा यानी डिफेंस मैकेनिज्म विकसित करते हैं और वे उस बीमारी से, हार्ड इम्यूनिटी वैक्सीन की तरह काम करता है। यह इम्यूनिटी कोविड के खिलाफ रामबाण साबित हो सकता है। यह निमोनिया, पोलियो और मेनिंजाइटिस के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करते हैं। लोगों के बीच एक वैक्सीन का इंजेक्शन की तरह काम आते हैं, पर ऐसी बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षा बना लेते हैं। भारत में यदि बड़ी संख्या में लोग वायरस के खिलाफ हार्ड इम्यूनिटी विकसित करते हैं, तो महामारी पर काबू पाया जा सकता है। तो भारत में आखिर हार्ड इम्यूनिटी एक योजना के तहत शुरू करने का एक मुहिम चला। पहले इसमें बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो जाएंगे और इसके खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म विकसित करेंगे। हर्ड इम्यूनिटी के जितने फायदे हैं, थोड़े से कम इसके घाटे भी हैं। घाटे ये हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जब इसे शुरू किया गया, तो ये वायरस को कम करने के बजाय और तेजी से फैलाने लगा, जिसके कारण आज वहाँ का आप देख ही सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हर्ड इम्यूनिटी कारगर है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। जय हिंद, जय भारत।